भक्त भगोड़ा नहीं होता, एक बात याद रखना कभी भी, भक्त भोला होगा भगोड़ा नहीं होगा, वो अपने कर्मों से अपने धर्म से कभी भागेगा नहीं, सच्चा भक्त। वो संसार उसके लिए युद्ध भूमि है, वो अपने सारे युद्ध को अच्छे से निभाएगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, और कोई भी कर्म अपने लिए नहीं लेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो जी रहा है, जो भी वो कर्म करेगा वो भगवान को समर्पित करेगा। मैया अर्पित मनोबुद्धिर, ये भगवान ने दिया कि हर पल मेरा स्मरण करो, अपना युद्ध करो कर्म भूमि में, जो कर्म करने करो, लेकिन माइंडसेट क्या होनी चाहिए, मैया अर्पित मनोबुद्धि, अपनी बुद्धि को अपने मन को मुझे समर्पित करो। इस प्रकार यदि तुम जी रहे हो तो तुम मुझे प्राप्त करोगे निश्चित, निश्चित। सिंपल है ना। कई बार लोगों को लगता है, आते हैं ना भक्ति के अंदर, लोगों को लगता है कि अरे भगवान, भगत लोग ना केवल भगवान पर छोड़ देते, आलसी हो जाते। नहीं, ऐसा नहीं है, रॉन्ग एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं लाइफ में। श्रील प्रभुपाद आलसी थे क्या? उनसे बड़ा भक्त का कोई उदाहरण ही नहीं होगा इस युग में, जिन्होंने अपने जीते जी इतने बड़े बड़े इस्कॉन के मंदिर खोल दिए। जाइए जूहू इस्कॉन जाकर के देखिए, चाहे वृंदावन इस्कॉन जाकर के देखिए, दुनिया में कहीं भी इस्कॉन जाकर के देखिए, श्रील प्रभुपाद से बढ़कर के भक्त का एग्जाम्पल अपने प्रेजेंट युग में जब हम जी रहे हैं कोई है ही नहीं। मुश्किल होता ना। तो ये क्या आलसी थे? आलसी होते तो इतना बड़ा बड़ा काम कर पाते। रामकृष्ण परमहंस तंत्र में भी थे, भक्त भी थे, वो भले गए नहीं प्रचार प्रसार करने रूपा जी जैसे, लेकिन एक स्वामी विवेकानंद को प्रकट कर दिया, ऐसा मनाया है काली से। और स्वामी विवेकानंद ने जो कमाल किया है, क्या वो आलसी थे? परमहंस योगानंद, क्या वो आलसी थे? पुराणों को आप खोल करके देखेंगे, कोई भगोड़े नहीं है, कोई नहीं भगोड़े। राजा अम्बरीश, जब हम पढ़ेंगे भगवत गीता के तात्पर्य, उनकी कथा आएगी। राजा अम्बरीश के 11 इंद्रिय भगवान में लगे थे, राजा थे। राजा मतलब समझ रहे हैं आप तो अपने घर को संभाल नहीं पाते हो, ये तो राजा। राजा अम्बरीश, ध्रुव बचपन में ही गए, निकल गए भगवान के दर्शन किए, दर्शन करके आकर के फिर बैठे नहीं रहे वहां पर, आकर के उन्होंने राजपाट संभाला है। महाराजा बलि, प्रहलाद, ये सब राजा हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो सुखदेव जी जैसे, और ऐसे भी एग्जाम्पल है परीक्षित जी जैसे। इसलिए तो श्रीमद् भागवतम का ये जो जो दो कंट्रास्टिंग पर्सनालिटी सामने बैठ करके बातें कर रहे हैं, और भागवतम एक सुना रहा है एक सुन रहा है। एक पहले ही मुक्त है, सुखदेव जी पहले ही मुक्त है ब्रह्मरात, और ये परीक्षित जी विष्णुरात, जिनको तो गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो चुके, लेकिन राजपाट संभाल रहे थे। तो राजपाट संभालने वाला व्यक्ति, उसमें राजसिक गुण होगा ही होगा, लेकिन उसने भी अंतकाल में जाकर के परीक्षित को भगवान ने चूज किया है एग्जाम्पल सेटअप करने के लिए। इसने राजा बन करके राज किया, लेकिन कभी भी भगवान को वो नहीं भूले। गर्भ से ही दर्शन हो रहे हैं भगवान का, उनके घर में आना जाना है, उनके पूरे खानदान ने भगवान का भजन किया है, और वो जब मृत्यु का समय आता है कितने आसानी से, एक हफ्ते में ही जाने का लिख दिया है, कितने आसानी से राजपाट निपटाया, कोई उनको टेंशन नहीं हुई कि अब मुझे कुछ बताओ। अच्छा, जब आप भागवत पढ़ते हो ना, तो एक बिफोर इवन ही स्टार्ट, सुखदेव जी तो महान है, बिफोर इवन ही स्टार्ट ना, द्वितीय स्कंद के जब पहुंचते हैं, तो वहां पर वो एक चैप्टर डेडिकेट किया सुखदेव जी ने, जहां पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर करके क्या क्या फायदा होगा ये भी सिखाया, कि इसका अनुष्ठान करोगे तो ऐसा होगा, उसका अनुष्ठान करोगे तो ये फायदा होगा, अगर तुम्हें जीवन भी बढ़ाना है तो इसके भी अनुष्ठान है। परीक्षित जी सुन रहे हैं सारा, यहां तक कि देवता लोग भी आ गए कि भैया सुखदेव जी भागवतम दे रहे हैं, हमारी अमृत भी तुम ले लो, हम यहां बैठेंगे, तुम मत सुनो, तुम अमर हो जाओ। परीक्षित जी को कोई लालच नहीं,
सब सुन लिया अनुष्ठान के बारे में, फिर बोला गुरुदेव सब सुन लिया, लेकिन अब आप भागवत शुरू कीजिए ना, भागवत ही सुनने की इच्छा है, भागवत ही सुन करके जाएंगे। जब हम कहते हैं भक्ति की नवविधा भक्ति श्रवणम से शुरू होती है, तो क्या श्रवण से मुक्ति हो सकती है? परीक्षित जी ने प्रूफ करके दिखाया कि श्रवण से मुक्ति होती है। उन्होंने सुखदेव जी के चरणों में बैठा और श्रीमद् भागवत केवल सुना है, सुनते सुनते मुक्ति हो गई।